हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। अभी मैं बना रही हूँ साड़ी और साथ में बना रही हूँ चाय। तो पहले हैवी साड़ी को अपने हाथों से हटाते हैं। इसको करते हैं हम साइड, और ये वाली साड़ी आपको दिखाते हैं जो कि फिरोजी कलर की साड़ी है। पूरा इसमें वर्क होकर आया था, लेकिन ये जो सितारे हैं और ये जो स्टोन लगे हैं ना, इसको मैंने अपने हाथ से वर्क किया था, घर पे ही किया था। और कढ़ाई, जब इस कढ़ाई के बावजूद भी बहुत सुंदर लगती थी ये साड़ी, लेकिन मैंने इसमें आप देख सकते हैं पूरा स्टोन का काम किया था। जब तो थोड़ा सा मेहनत लगा था, मैंने इस साड़ी को 2 दिन में रेडी किया था, लेकिन बनने के बाद ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। ट्रस्ट में बहुत सुंदर लगती है। इसका ब्लाउज का वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ये जो मैंने पिंक फ्रिल वाली ब्लाउज दिखाई थी ना, ये उसी मतलब उसी का साड़ी है। और बनने के बाद साड़ी की जो है ना, 4 चांद लग गई है। साड़ी बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट साड़ी है, नेट की साड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटू सा काम किया था। 2 दिन का काम था, थोड़ा सा मेहनत थी, और बनने के बाद ये साड़ी बहुत 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 सुंदर लगने लग गई है। पूरा कढ़ाई के साथ आ गई है। कढ़ाई तो इसमें थी ही ऑलरेडी, बस मैंने इसमें सितारे जो अटैच किए हैं उसकी वजह से ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। और अभी जो मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ, ये वाली पीच कलर की जो साड़ी है, ये काफ़ी हैवी साड़ी है। इसके साथ मैंने कैसा जो है ब्लाउज बनवाया है, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसका ब्लाउज जो है मैंने बहुत सिंपल बनाए थे, क्योंकि इसकी साड़ी के साथ तो सिंपल ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा इसका ब्लाउज था ना, सेम मैंने वैसा ही बनवा लिया है। सिर्फ स्लीव्स मैंने इतनी दिया है जितना मैं पहनती हूँ। सभी साड़ियों में मैं इतना ही स्लीव पहनती हूँ, छोटा स्लीव मैं नहीं पहनती हूँ। तो पीछे इसकी कढ़ाई जैसी थी वैसी ही है। एज इट इज मैंने रखवाई है, देख सकते हैं ये पीछे मैंने रखवाया है। और फ्रंट बिल्कुल सिंपल फ्रंट बटन है इस तरीके से। तो अगर आपके पास हैवी साड़ी है, या तो आप उसके साथ सिंपल ब्लाउज रखने की कोशिश करिए, या फिर उसी साड़ी का ब्लाउज आप स्टिच करवाइए, तो लुक बहुत अच्छा आता है। बाकी जैसे वो नेट की साड़ी है, फिरोजी वाली साड़ी है, उसका ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने उसके साथ मिक्स एंड मैच किया है, ठीक है। और ये येल्लो वाली साड़ी है, ठीक है। ये येल्लो वाली साड़ी में आप देख सकते हैं ओरिजिनल मिरर लगा हुआ है। ओरिजिनल मिरर के साथ ये साड़ी आई थी, और इतनी लाइट वेट साड़ी है ना, बिल्कुल हवा की तरह साड़ी है। लेकिन पहनने के बाद ना, इस साड़ी का लुक बहुत सुंदर आता है। सच में गाइस, इस साड़ी का लुक भी बहुत सुंदर आता है, और काफ़ी पहनने के बाद सुंदर लगता है। इस तरीके की जो नेट की साड़ियाँ होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। और ये देखिए, इसमें इसका जो ब्लाउज आया है ना, ये पिंक कलर का ब्लाउज आया है इसका, लेकिन मैंने इसके साथ इसका ब्लाउज का जो है स्टिच नहीं करवाया है, तो इसको मैंने एज इट इज ही रहने दिया है। तो नेट की साड़ियों के साथ भी आप सिंपल ब्लाउज पहन सकते हैं। तो इसके साथ मैं कौन सा ब्लाउज वेयर करती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर लगता है। इस वाले कपड़े का एक आप ब्लाउज बनवा के रख लीजिए। इसे मैंने मतलब ऐसे ही बनवाया है, ये किसी भी साड़ी का ब्लाउज नहीं है, पहले आपको मैं मेंशन कर दूं। ये एक्चुअली मैं जो है, मैं कपड़ा लेकर आई थी, किसी भी साड़ी का ये ब्लाउज नहीं है, मैं कपड़ा लेकर आई थी और इसको मैंने स्टिच करवाया है। इसमें मैंने पफ वगैरह कुछ नहीं लगवाया है, इसमें मैंने मोटा अस्तर लगवाया है। और जैसे कि मैंने अभी इसमें पैड यूज किया है, अलग से यूज किया है, इसमें भी पैड नहीं है। डीप नेक है, आप देख सकते हैं पीछे गला बहुत ही बड़ा है, मतलब डीप नेक है। इस तरीके से मैंने डिजाइन दिया है इस वाले गले का, तो इसकी डिजाइनिंग ऐसी है। स्लीव मैंने बहुत ज्यादा फुला फुला बोला था, तो भैया ने इस तरीके से बना दिया है। लेकिन ओवरऑल पहनने के बाद ना, ये ब्लाउज बहुत सुंदर लगता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें एक डोरी लगवाई है इस तरीके से। मेरे को ये डोरी चेंज करनी है, क्योंकि इसमें इस डोरी में ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसके लटकन में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे को, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो मैं इसका डिजाइन दिखाती हूँ आपको पीछे का, और पहनने के बाद ना, सच गाइस, सच में बता रही हूँ, इसका जो नेक है ना वो बहुत सुंदर आता है। तो आप लोग चाहे तो इस तरीके का नेक बनवा सकते हैं, और अलग से पफ खरीद सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है इजली, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक बार डोरी बांध के आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये इसका पीछे का।
तो किस साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज पहनना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू। तो इसका डिजाइन कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक बर्फी का आकार होता है ना उस तरीके का आकार है, जिसमें आपका पूरा बैक जो है ना बहुत सुंदर लुक में आता है। तो इसको मैंने ऐसे ही बनवा लिया था किसी भी साड़ी के साथ पहनने के लिए, तो ये चल भी जाता है। बहुत सारी साड़ियों के साथ इस ब्लाउज ने मेरा साथ दिया है, कई सारी साड़ियों के साथ मैंने इस ब्लाउज को वेयर किया है, बहुत साथ दिया है इस ब्लाउज ने मेरा। इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ब्लाउज ऐसे कपड़ों के बनवा के जो है रख सकते हैं, और मेरे कलेक्शन में आपको एक दो ब्लाउज अभी और देखने को मिलेगा, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस ब्लाउज की बात कर रही हूँ। फिलहाल तो ये साड़ी के साथ ही है, और एक मैंने अलग से बनवाया है, और कुछ रेडीमेड ब्लाउज भी आपको दिखाऊंगी। मैं इस साड़ी को फोल्ड कर देती हूँ, और ये इतनी हैवी साड़ी है ना कि इस साड़ी की तो ना प्लेट बनती है सही से, ना ड्रिप बनती है, कुछ भी नहीं बनता, जो भी बोलते हैं। इतनी हैवी साड़ी है ना ये कि उठाए नहीं उठता है। पिच कलर की साड़ी है, देख सकते हैं काफ़ी हैवी वर्क के साथ है ये देख सकते हैं। तो इस तरीके की साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, और कट वर्क के साथ इसमें पूरा वर्क दिया है, कट दाने के साथ पूरा आप देख सकते हैं इसमें है। अभी मैंने कितनी सारी साड़ियों को तो रख दिया है, निकाला ही नहीं है, कुछ गिने चुने साड़ियाँ ही निकाली है मैंने पहनने के लिए, और उसमें भी मेरी पूरी दो तीन अलमारी, मतलब मेरी तो पूरी अलमारी भरी पड़ी है, साथ में मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी पे भी कब्जा कर लिया है। तो किस तरीके की साड़ी के साथ, हल्की साड़ी के साथ आप जो है हैवी ब्लाउज पहन सकते हैं, और हैवी साड़ी के साथ आप हल्का ब्लाउज पहन सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, सबको पता ही होगा, इसमें मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका ना मेरे से ब्लाउज संभलता है, ना मेरे से साड़ी संभलती है। अब मैं इसको एक दो फंक्शन में और पहनूंगी, एक आध फंक्शन में और पहनूंगी, देन इसका मैं कुछ ना कुछ बनवाऊंगी, क्योंकि ये साड़ी जो है मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं संभलती है सच पूछो तो मैं या तो इसका लहंगा बनवाऊंगी, या तो खुद बनाऊंगी, या तो फिर सूट सिलवाऊंगी, तो कुछ ना कुछ मैं इसमें ऐसा ज़रूर करूंगी या करवाऊंगी, क्योंकि अभी ये साड़ी जो है मेरे से नहीं पहनी जाती है। मैंने इसको एक बार अपने घर के फंक्शन में पहना था, और एक बार अपने जो हस्बैंड के ऑफिस के फंक्शन में पहना था, डेट्स इट, दो बार इस साड़ी को मैंने वेयर किया है। और हाँ, एक दो बार मैंने वीडियो बनाने के लिए भी पहना है, घर पे ही पहना है इसको, कहीं जाने के लिए नहीं, तो बस इतना ही ये साड़ी बेचारी यूज़ हुई है। हैवी है, एक्सपेंसिव है, लेकिन यूज़ में नहीं आई ये साड़ी, देख सकते हैं। और इसके वर्क की वजह से ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है इस साड़ी को वेयर करने में। तो एक बार मैं इस साड़ी को और वेयर करूँगी, बस कि हाँ इसको हस्बैंड ने दिलाया, तो मैं एक आध बार इसको और वेयर करूँगी, देन इस साड़ी को जो है मैं रख दूँगी। और साड़ी यहाँ पे रेडी हो रही है, साड़ी रेडी होने में टाइम लगेगा, देन जब तक साड़ी रेडी हो रही है मैंने इस सेम कलर की चूड़ियाँ भी बना रेडी कर रही हूँ। चूड़ियों का जो सेट है वो भी मैं घर पे रेडी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आज साड़ी पहन के मैं थोड़ा सा हवा में कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हूँ। बहुत दिन के बाद जब कोई साड़ी पहनता है ना तो पैर ज़मीन पर नहीं होता है, आसमान में पहुँच जाता है, मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, तो मजाक कर रही हूँ, डोंट बी सीरियस। चाय मेरी हो गई है, मैं पहले से छान लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइज, मेरा चाय का टाइम हो गया है, और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और मैंने येलो वाले जो साड़ी है ना उसका पेटीकोट नहीं खरीदा है, मैंने जो क्रीम कलर की मेरी साटन की पेटीकोट है ना, वो पेटीकोट बेचारे ने सब पे साथ दिया है, सब पे साथ दिया है। और ये पेटीकोट मैंने लिया था किस साड़ी के साथ मेरे को ध्यान नहीं है, शायद इसी इसी के साथ लिया था। तो साटन के जो पेटीकोट होते हैं ना वो ही जो है मैं वेयर कर पाती हूँ, और अभी मैंने एक साइनिंग वाला पेटीकोट पहन लिया है ना, उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं पहन पाती हूँ अदर कोई पेटीकोट, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। और ये मैंने फिरोजी वाली साड़ी के साथ बनवाया है। अभी मैंने इन पेटीकोटों को क्यों निकाला मैं बता दूँ कि ये साइज़ में नीचे से बहुत बड़े हैं, जो कि साड़ी के नीचे निकल के चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़,
तो मैं इनको कट करूँगी और फोल्ड करके सिलूंगी और परफेक्ट साइज़ बनाऊँगी। तो जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, जैसे कि ये स्टोन लगाना साड़ी में। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुले मैंने, वो भी हाथ से। बहुत दिनों के बाद मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं हाथ से, क्योंकि कुछ साड़ियाँ मेरी ऐसी थी जिनको मशीन में तो मैं डाल ही नहीं सकती हूँ। और इनफैक्ट साड़ी, कोई भी साड़ी मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ। पहली बात तो सारी साड़ियाँ मैं जो हाथ से धुलने, घर पे धुलने वाली साड़ी है, जैसे हल्की हल्की साड़ियाँ हैं, उन सभी को मैं घर पे ही धुलती हूँ। और बाकी साड़ियों को जो है मैं ड्राई वाश पे दे देती हूँ। तो इसे तो बनने में टाइम लगेगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए। और शाम के 4 बज गए हैं और अब मुझे कुछ काम भी है जिसे मुझे निपटाना है, मतलब बाहर का काम है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। काम भी है और कुछ बेटे की फरमाइश है, उसे भी पूरा करना है। तो देखिए ये स्टोन वाला काम कब पूरा होता है। अच्छा, ये पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान नहीं है। चूड़ियाँ भी बनानी है मेरे को, सेट भी रेडी करना है। और ये वाली साड़ी मैं नहीं पहन के जा रही हूँ, क्योंकि पहले जो है हमें 2 तारीख को भात में जाना था, तो भात का जो प्रोग्राम है ना वो हमारा कैंसिल हो गया है, क्योंकि भात और बारात एक ही दिन पड़ गया है। तो या तो हम भात में जा सकते हैं या तो हम बारात में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भात का टाइमिंग है वो दिन का है, यानी कि 2 बजे से पहले पहले भात जो है चढ़ जाएगा और भात का जो लेन देन है वो हो जाएगा। तो अगर हम 2 बजे जाएंगे, मतलब कि सुबह जाएंगे, फिर हम 2 बजे आएंगे, फिर हम फिर रेडी होके बारात के लिए जाएंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, डबल डबल हो जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए हम एक ही टाइम पे जा सकते हैं, या तो भात में या तो बारात में, तो एक ही चीज़ अटेंड कर सकते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं जो है भात में नहीं जाऊँगी और सीधा बारात में जाऊँगी, मतलब बारात में नहीं, मतलब जब बारात का टाइम होगा जब जाऊँगी, तो यही मैंने डिसाइड किया है। और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, मैं साड़ी पहनूं, लहंगा पहनूं, क्या पहनूं, तो बता देना आप लोग कि मुझे क्या पहनना चाहिए। ए भगवान, मतलब ये देखो पूरी साड़ी अभी बची है। वो कहावत है ना, जब उखली में सर दे दिया तो मुँह सर से क्या डरना, तो वही वाला सीन है। अब मैंने जब इसमें सर डाल ही दिया है कि मेरे को इसे बनाना है, तो फिर अब डर, मतलब डर के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बनाना है तो बनना है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं जब इसको देख रही हूँ ना आंचल को कि अभी इतना पड़ा है, तो दिल ना धक से कर देता है कि अरे बाप रे बाप। तो और क्या बोलूँ, तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो कि मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, देन सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जो जो कुछ भी होता है वो सब करना। पापा का फोन है। ओ, ओ, ओ। हाँ, हस्बैंड का फोन था, कोरियर आया हुआ है। कुछ है इसमें 771 रुपये, तो कोरियर आया है और कोरियर अभी लगातार आएगा, 28 तारीख तक लगातार कोरियर जो है मेरा आएगा। तो मेरी चाय ठंडी हो रही है, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बहुत जल्दी रिसीव हो गया है मेरे को ये वाला कोरियर, और इसका डेट 17 तारीख का था, लेकिन डेट से पहले रिसीव हो जाता है तो खुशी ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और ये रहा हमारा नाश्ता जो कि मैं अपने बेटे के साथ करने वाली हूँ, उसी के पास जाके, तो वो यहाँ बैठा हुआ है। चलो नाश्ता करते हैं, उसको नाश्ता कराते हैं हम। ये हस्बैंड की, अरे हस्बैंड कह रही हूँ, ये पापा की
पैंट प्रेस है बेटा, खराब ना करो इसको, सलवटी आ जाएगी। चलो मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना लूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। बाय गाइस, बाय करो निशु, बाय 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 गाइस।